अब चलेगी गाड़ी टिंटो, क्योंकि आ चुका है पिंटो। नमस्कार दोस्तों, डीजे अपडेट में आपका स्वागत है और आज आपके लिए लेके आया हूँ पिंटो, क्योंकि रहने वाले महाराष्ट्र पुणे में नारायण गांव के पास इनका सब सेटअप वगैरह है ना। ये रहा 21 इंच का नीचे का बेस और ऊपर वाला लाइनर है, जो कि काफ़ी लाउड और क्लीन बजाते हैं। आपके हिसाब से कस्टोमाइज़ करके देते हैं सेटअप, जैसा आपको सेटअप चाहिए हो, 5 लाख, 10 लाख, 20, 30, 40, 50, जितने का भी आपको चाहिए हो उसी हिसाब से सेटअप कंप्लीट करके देते हैं। ये न्यूडोनियम एचएफ आ गया है दोस्तों, और बहुत ही शानदार क्वालिटी है, ज़बरदस्त प्रोडक्ट रहते हैं। हालांकि ये लोग भी कोई बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं, बाकी जहां से भी इंपोर्ट करवाते हैं बढ़िया रिसर्च करके मंगवाते हैं। क्लीन और नीट एंड क्लीन क्वालिटी रहती है। ये देखो आसमान पर इनने वो रख दी है एचएफ, देखने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा नहीं नीचे रखना चाहिए इनको। हालाँकि ये मेरे को दमदार स्पीकर लगा है BNC, इसमें तेरा घर चला जाएगा। बहुत महंगा स्पीकर है दोस्तों ये BNC 21 इंच, जिसमें वाकई में घर चला जाता है। और इसी के नीचे रखा हुआ है पिंटो का न्यूडोनियम, जो कि बाहर रिंग मैग्नेट में है और ये कवर मैग्नेट में है। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है। हालांकि एक बात समझ में नहीं आई कि पिंटो ने BNC का स्पीकर क्यों रखा। जब मालूम करा तो उनको सब कंपनी वाले से मैंने जब बात करी तो उनका कहना है कि किसी कस्टमर को यदि कम बजट में चाहिए तो BNC नहीं पिंटो डाल के देंगे फ्राइड वाला, उससे हैवी बजट में चाहिए तो पिंटो न्यूडोनियम डाल के देंगे, और उससे भी हैवी चाहिए हो तो BNC ओरिजिनल डाल के देंगे सर, जिसका सेटअप 50 लाख 40 लाख का भी बनेगा। हाँ जी दोस्तों, जिसका बजट हो नारायण गाय पहुँच जाए, इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दूँगा है ना। बाकी फॉर्च्यूनर एम्पलीफायर बेस के लिए, टॉप के लिए, मिड के लिए, HF के लिए टोटल अवेलेबल है, फुल प्रीसेट करके देते हैं ये लोग। सिर्फ प्लेक और प्ले, यदि आप फुल किट लेते हैं इनसे तो आइए बजाइए, इसमें का सिस्टम हो जाएगा दोस्तों। और बाकी की जानकारी आपको मैं दे ही रहा हूँ, आप ख़ुद भी देख सकते हैं पोस्ट करके वीडियो है ना। यदि विशेष जानकारी चाहिए हो कि कितने ओम्स पे कितना वोल्ट दे रहा है, तो उसका कैटलॉग जो था वो भी मैंने इसमें मेंशन करा है, ठीक है। ये एक मिक्सर रहा, जिसमें पार्टिकुलरली एक एक चैनल के लिए इंडिकेटर दिया हुआ है कि किस लेवल पे ये बज रहा है, पीक पे बज रहा है कि कितने dB पे बज रहा है, उसके हिसाब से है ना। ये भैया बैठे हुए थे और इधर कुछ ये देखिए दोस्तों क्या है, ये है क्या, अरे भाई है क्या भैया ये, अरे भैया ये 600 वाट का प्रेशर में डालने वाला है दोस्तों, अभी आया नहीं है आने वाला है। पिंटो की ब्रांडिंग कर रहा है कि इतना बड़ा प्रेशर मिड, पिंटो या फिर कोई भी कंपनी चाहती क्या है, सारी प्रेशर मिड लगा लें क्या, स्पीकर हटा दें, बेचारे स्पीकर वाले को क्या होगा। देख रहे हैं दोस्तों, मुझे लग रहा है ये DJ बंद करवा के ही मानेंगे, 600 वाट के प्रेशर में डालें दोस्तों क्या होगा। मेरी राय माने तो ना लगाएं इसे, लेकिन मेरी राय मानेगा कौन। हाँ जी दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब ठोक दें तो बहुत बढ़िया रही बात रहेगी। फॉर्च्यूनर एम्पलीफायर एज क्लास में रहने वाले हैं, ये कुछ जानकारी इसकी डिटेल लगी हुई है। बाकी केबल्स वगैरह टोटल आइटम बनाते हैं है ना, एनुलप क्रॉसओवर क्लास डी में SMPS वेस्ट एम्पलीफायर, क्लास एच में E7200 वगैरह जो बेस के लिए रहते हैं इनके है ना। बाकी ये गलत है, 600 वाट के प्रेशर में डाल रहे हैं दोस्तों क्या होगा, DJ का बेस ही तो DJ चलने के लिए तैयार नहीं है, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, सरकार को प्रॉब्लम हो रही है। हालांकि सरकार और हमें एक कम्युनिकेटी मतलब सभी को DJ वाले को एक ग्रुप बनना चाहिए, जिसके लिए अपन खुद अपने हक के लिए लड़ सकें ऐसा। ये प्रोसेसर रहे दोस्तों है ना, 3 प्रकार के प्रोसेसर हैं इनके पास, अलग अलग रेंज है, सस्ता भी है थोड़ा, मीडियम भी और हैवी वाला भी है। बाकी नीचे वाला जो रहेगा आपको मिड के लिए एम्पलीफायर रहेगा, मिड चलाने के लिए। क्या लगता है दोस्तों, किस किस ने पिंटो का सेटअप सुना है और कौन कौन सुनना चाहता है, ये ज़रूर थोड़ा सा कमेंट करके बता दें मुझे। हालांकि पिंटो ने यहाँ से शुरुआत करी थी, ये वाले जो एम्पलीफायर रखे ना दोस्तों छोटे वाले, ये वाले पिंटो ने यहाँ से शुरुआत करी थी, और आज ये समझ लीजिए आपकी बहुत बड़े लेवल पे काम हो चुका है इनका। पहले सिर्फ एक नॉर्मल 100-150 वाट 200 वाट का एम्पलीफायर बनाते थे ये लोग सबसे शुरू में, हालांकि अब तो इंपोर्ट करवाना है। ये छोटे वाले ट्यूटर रेंज रखा हुआ दोस्तों। बाकी इनका न्यूडोनियम और फ्राइड मैग्नेट में 21 इंच में बहुत ही बढ़िया स्पीकर आते हैं, 21 इंच रहा न्यूडोनियम मैग्नेट में रहने वाला ये भी। हालांकि रिंग मैग्नेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है दोस्तों, जंग वगैरह लग जाती है बाहर की तरफ, बाकी कवर्ड वाले जैसे ये कवर्ड है इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं आता है ना। ये भी 18 इंच में रहने वाला है। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।